दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, बहुत दिनों से ये इसराइल और फिलिस्तीन का जो लड़ाई है ये चल रहा था। इसमें जो इंडिया के लोग थे, बहुत सारे लोग, मेजोरिटी जो थे वो सपोर्ट कर रहे थे इसराइल को, लेकिन भारत सरकार इस पे बहुत ही क्लियर स्टैंड नहीं ले पा रहा था और इनफैक्ट अभी भी नहीं ले रहा है। लेकिन ये आज सुबह में एक न्यूज़ निकल कर सामने आई है जिसमें ये कहा गया है कि जो इसराइल के डिप्टी एम्बेसडर हैं इंडिया में, जिनका नाम है रोनी एडिडिया क्लेन, इन्होंने एक बयान दिया है जिसमें इन्होंने कहा है कि इंडिया सपोर्ट नॉट पब्लिक हैड अंडरस्टैंडिंग। सो ये इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ है, आप देख सकते हैं, आज ही का न्यूज़ है। और इसमें ये कहा गया है कि जो इसराइल के अथॉरिटीज़ हैं इंडिया में, बेसिकली उनके जो इन्वेस्टर हैं, उन्होंने भारत सरकार के फॉरेन ऑफिस से बात किया था और उसमें भारत ने इनका सपोर्ट किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सी ऑल्सो सेड दैट इजराइल रिसीव फ्रॉम मेनी कंट्री इंक्लूडिंग यूएस एंड यूई, एंड ऑल्दो इंडिया मे नॉट हैव मेड अ पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ सपोर्ट इट हैड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इजराइल एक्शन। सो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया जो है अंदर से सपोर्ट कर रहा था इजराइल को, लेकिन बाहर से पब्लिकली कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे रहा था जिससे लोगों को ये लगे कि इंडिया जो है पूरी तरह से इसराइल के पक्ष में है। इसमें इन्होंने ये भी कहा है कि जो भारत की जनता है, ग्रेट अमाउंट ऑफ सपोर्ट बाय द पब्लिक इन इंडिया। तो भारत की जो जनता है जो सोशल मीडिया पे है, उन्होंने इसराइल का जो व्यू है उसको काफी सपोर्ट किया है, भले ही सरकार ने इसका पब्लिकली एक्नॉलेजमेंट नहीं किया है। इसमें और ये भी लिखा हुआ है कि इंडियन पब्लिक हैज एक्सप्रेस्ड अ ग्रेट अमाउंट ऑफ सपोर्ट एंड वी आर वेरी हैप्पी फॉर दैट। सो बहुत बार ये होता है कि जो सरकारें हैं उनकी कंपल्सन होती है जिसमें वो किसी भी एक साइड का खुले तौर पे समर्थन नहीं कर सकती हैं, पर ये कंपल्सन जनता के लिए नहीं होता है। सो भारत की जनता ने, मेजोरिटी ऑफ जनता ने इसराइल के पक्ष को समर्थन किया है। अब इसमें ये भी कहा जा सकता है कि बहुत सारे लोग फेलिस्टीन कोज को भी सपोर्ट कर रहे थे, बट आप देखेंगे ऐसा अक्सर होता है डेमोक्रेटिक कंट्रीज में कि दोनों साइड के व्यूज होते हैं। जैसे अमेरिका जो है पूरी तरह से इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वहाँ भी आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी फिलिस्तीन कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट उनका जो सरकार है डेमोक्रेटिक पार्टी का, उसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि मेजोरिटी लोग किसको सपोर्ट करते हैं। इंडिया में भी आप देखेंगे कि मेजोरिटी ऑफ लोग जो हैं इसराइल के पक्ष को सपोर्ट करते हैं। इसका एक बहुत ही सिंपल सा रीजन है कि इसराइल जो है बहुत ज़्यादा भारत को वह सपोर्ट किया है जब हमारे जो भी ऐसी सिचुएशन हुई है, चाहे इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ हो कारगिल में, उसमें भी इसराइल का बहुत बड़ा सपोर्ट था। उसमें जितने भी जो GPS था और जो भी मिसाइलें थी, एयरक्राफ्ट में जो भी वो सपोर्ट था, वो इसराइल का बहुत ज़्यादा था। आप इसमें और भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें जो हमारे भारत के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन में, मिस्टर टीएस तिरुमूर्ति, उनका क्या बयान आया है इन सब चीज़ों को लेकर। आप देखेंगे कि इसमें 2 से 3 बार टीएस तिरुमूर्ति ने अपना वो रखा है, बयान दिया है, जैसे कि यूएन जनरल असेंबली में और चाहे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रिसेंटली बैठक हुआ था इसराइल फिलिस्तीन को लेकर, उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट इनके व्यूज नजर आए हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बस एक बयान दे दिया हो एक तरह का।